सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। गणेश जी की, हनुमान गणेश जी की जो नाक है लंबी है, अमर कोश में स्वर्ग का एक नाम नाक भी है, जिसका अभिप्राय यह है शुभ कर्म करोगे तो लंबे समय तक स्वर्ग में निवास मिलेगा तुमको। व्यवहार में भी कहते हैं बेटा गलत काम कर दे तो पिता कहते हैं इसने मेरी नाक कटा दी। क्या इसका मतलब है कि ऐसे कर्म करो कि लंबे समय तक तुम्हें स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त हो जाए। नाक, भगवान राम ने नाक क्यों कटवाई थी? शूर्पणखा की कान भी कटवा दी और नाक भी कटवा दी थी। उसका भी एक भाव है, ऐसी चरित्रहीन स्त्री को नाक माने स्वर्ग कभी नहीं मिलता। जो लव मैरिज को महत्व देती है, चाहे जिससे प्यार करना चाहती है, ऐसी स्त्री को स्वर्ग नहीं मिलता। नाक कटाई ना वाले इसका स्वर्ग का सुख कट गया है। और कान इसलिए कटाए थे, अगर इसने कथा सुनी होती विद्वानों से तो ऐसा गलत कदम ना उठाती। गलत कदम उठा रही इसका मतलब है इसने सुना नहीं कुछ भी, धर्म और कर्म कर्तव्य क्या होता है। इस तरह से नाक और कान कटवाए थे। गणेश भगवान की नाक लंबी है, भाव यही है कि आप ऐसे शुभ कर्म करो कि आपको लंबे समय तक स्वर्ग में निवास मिल जाए। हाथी की आंखें छोटी होती हैं पर सामने आने वाला बड़ा दिखता है। खाली गणेश पूजा कर लेने से सफलता नहीं है, गणेश के जो गुण हैं उन्हें अपने जीवन में उतार लोगे तो फिर जहां जाओगे सफलता ही मिलती चली जाएगी।